स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर हम लोग का चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कम्प्लीटली जो है समझ में आए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमें ये समझना होगा, आप लोगों को याद होगा कि हमने आपको बताया था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि वन सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वन सॉल्यूशन, या फिर यूं कहें कि लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने आपको बताया था कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर है, तो फिर हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस यानी का मतलब लाइंस आर पैरेलल। और तीसरी चीज हमने ये देखी थी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो और साथ में c1 अपॉन c2 भी इनके इक्वल हो, तो फिर हम कहेंगे मैनी सॉल्यूशंस। यानी का मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये हमने इससे पहले वीडियोस में पढ़ा था जब हमने एक्सरसाइज 3.2 और ये जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2 का हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जब हमने किया था तो हमने ये जान लिया था। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कहा गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो हमारा एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे, तो इस केस में हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। दूसरा, इस केस में भी जहाँ पर मेनी सॉल्यूशंस हो वहाँ पर भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये हमारा जो बीच वाला हिस्सा है, यानी का मतलब हम ये कहें कि जो हमारी पैरेलल लाइंस अगर आ रही हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इस केस में हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। यानी का मतलब कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इस केस में कंसिस्टेंट है और इस केस में कंसिस्टेंट रहेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आएगा। आप लोग जो है यहाँ से लिख सकते हैं कि कहाँ पे कंसिस्टेंट होगा और कहाँ पे इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसे करते हैं रफ और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। तो रफ कर दें इसे।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि हमें कंपेयर करना है ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू को, और फिर हमें बताना है कि यहाँ पे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है इक्वेशंस। तो उसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और इसके साथ एक और इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशंस हमारी दी हुई हैं इन्हें जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देखें तो a1 हमें मिल रहा है 3, b1 हमें मिल रहा है 2 एंड c1 हमें मिल रहा है माइनस 5। यहाँ से इस इक्वेशन से अगर देखें तो a1 हमें मिल रहा है 2, b1 हमें मिल रहा है माइनस 3 एंड c1 हमें मिल रहा है माइनस 7। अब यहाँ से a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या मिल जाएगा, a1 है हमारा 3 और a2 है हमारे पास 2, 3 अपॉन 2। अच्छा, अब हम बात करें b1 अपॉन b2 की, तो b1 है हमारे पास 2 और b1 सॉरी यहाँ पे ये b2 होगा, ठीक है, ये सब 2 होगा, a2 b2 c2, ये फर्स्ट इक्वेशन का a1 b1 c1 रहेगा और ये a2 b2 c2 रहेंगे। तो b1 हमारे पास आ गया 2 और b2 हमारे पास आ गया माइनस 3। तो हम देख रहे हैं कि 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2। ये नॉट इक्वल हो रहा है यहाँ पर, और नॉट इक्वल होता है तो हमारे वन सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट भी होता है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यहां पर हम कहेंगे कंसिस्टेंट है ये। तो ये सॉल्यूशन रहा फर्स्ट पार्ट का, इसे आप लोग उतार लीजिए, फिर इसके बाद रफ करते हैं और इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। जल्दी से आप लोग जो है इसे उतार लीजिए, रफ कर दिया जाए। चलिए तो अब करते हैं सेकेंड पार्ट इसको रफ करके। तो सेकेंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस यहाँ पर हैं हमारे पास। पहली है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a1 2, b1 हमें मिल रहा है माइनस 3 एंड c1 हमें मिल रहा है माइनस 8। यहाँ से दूसरी इक्वेशन से देखें तो a2 हमें मिल रहा है 4, b2 हमें मिल रहा है माइनस 6 एंड c2 हमें मिल रहा है माइनस 9। अब यहाँ से a1 upon a2 इक्वल टू, a1 है 2 एंड a2 है 4,
टू वन द टू, टू टू द फोर, ये आ गया वन अपॉन टू। अच्छा यहाँ से देखें बी वन अपॉन बी टू, तो बी वन हमारे पास है माइनस थ्री एंड बी टू हमारे पास है माइनस सिक्स। ये माइनस से माइनस कैंसिल, थ्री वन ज थ्री, थ्री टू ज सिक्स, ये भी हमें मिल रहा है वन अपॉन टू। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं, तो सी वन अपॉन सी टू और देखेंगे हम लोग फिर, तो सी वन अपॉन सी टू, तो सी वन हमारे पास माइनस एट एंड सी टू हमारे पास माइनस नाइन। ये माइनस से माइनस कैंसिल, एट अपॉन नाइन, तो ये सी वन अपॉन सी टू इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं वन अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन टू नॉट इक्वल टू एट अपॉन नाइन, और इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो इस केस में हमने आपको बताया था कि हमारी जो लाइन्स है वो पैरेलल रहेंगी और यहाँ पर इनकंसिस्टेंट रहेंगी इक्वेशंस। तो हम यहाँ लिखते हैं सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी है और हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट रहा क्वेश्चन नंबर थ्री का। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। आप लोग इसको नोट करिए जल्दी से, इसको करते हैं रफ, रफ कर दिया जाए। चलिए तो यहाँ पर थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब थर्ड पार्ट में इक्वेशंस हैं थ्री अपॉन टू एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री वाई इक्वल टू सेवन। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास नाइन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल टू फोर्टीन। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको जनरल फॉर्म में पहले लिखते हैं। तो थ्री बाई टू एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री वाई माइनस सेवन, सेवन को इधर ले आएंगे माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा नाइन एक्स माइनस टेन वाई माइनस फोर्टीन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ए वन अगर देखें तो ए वन है थ्री अपॉन टू, बी वन अगर देखें तो बी वन है फाइव अपॉन थ्री और सी वन है माइनस सेवन। दूसरी इक्वेशन से ए टू देखें तो ए टू है हमारे पास नाइन, बी टू है हमारे पास माइनस टेन और सी टू है हमारे पास माइनस फोर्टीन। अब यहाँ से ए वन अपॉन ए टू अगर हम देखें तो ए वन अपॉन ए टू ये हो जाएगा थ्री अपॉन टू अपॉन नाइन। तो यहाँ पर नाइन इसको डिवाइड कर रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं थ्री अपॉन टू इन टू वन अपॉन नाइन, थ्री वन द थ्री, थ्री थ्री द नाइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन सिक्स। अब इसी तरह से अगर हम बी वन अपॉन बी टू देखें तो बी वन है फाइव बाई थ्री और फिर अपॉन में बी टू, बी टू है माइनस टेन, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं फाइव अपॉन थ्री इन टू वन अपॉन माइनस टेन, फाइव वन द फाइव, फाइव टू द टेन, तो ये आ रहा है वन अपॉन माइनस सिक्स। तो देखिए ये आ रहा है वन अपॉन सिक्स ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू आ रहा है वन अपॉन माइनस सिक्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वन अपॉन सिक्स नॉट इक्वल टू वन अपॉन माइनस सिक्स, ठीक है। और इस बेसिस पर हम कह सकते हैं ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, और ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हो रही है कंसिस्टेंसी। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
आर कंसिस्टेंट, तो इसका आंसर रहेगा कंसिस्टेंट। और जल्दी से आप लोग इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रफ कर दिया जाए, चलिए। स्टूडेंट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इक्वेशंस दी गई हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, 11 इधर आके माइनस, माइनस 10x प्लस 6y और माइनस 22 इधर आएगा, तो प्लस 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 हमारे पास है 5, b1 हमारे पास है माइनस 3 और c1 हमारे पास है माइनस 11। A2 की बात करें तो A2 हमारे पास है माइनस 10, B2 हमारे पास है यहाँ पर 6 एंड C2 हमारे पास है यहाँ पर 22। अब यहाँ पर A1 अपॉन A2, 5 अपॉन माइनस 10, तो 5 वन द 5, 5 टू द 10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 2। दूसरा देखें, अगर b1 अपॉन b2, तो b1 है हमारे पास माइनस 3 और b2 है हमारे पास 6, तो 3 वन 3, 3 टू 6, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन माइनस 2 या माइनस 1 अपॉन 2 एक ही चीज़ है, दोनों बराबर हैं। अब देखते हैं c1 अपॉन c2, तो c1 है हमारे पास माइनस 11 और c2 है हमारे पास 22। 11 वन 11, 11 टू 22, तो ये भी आ रहा है माइनस 1 अपॉन 2। तो सभी जो है रेशियोज a1 अपॉन a2 या b1 अपॉन b2 या c1 अपॉन c2 सब इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। इसका माइनस ऊपर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। और इस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके, और इससे पता चल रहा है कि ये कंसिस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट रहा। जल्दी से आप लोग इसे नोट करिए और फिर हम लोग चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। नोट करिए जल्दी से, रफ कर दिया जाए, चलिए इसको करते हैं रफ। और अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, तो ये हुआ था फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन है हमारे पास 4 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशंस हो गई हमारी। यहाँ पर जनरल फॉर्म में इसे लिखें तो 4y 3x प्लस 2y, 8 को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको भी जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो 2x प्लस 3y, 12 को इधर लाएंगे तो माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 हमें मिल रहा है 4 अपॉन 3, b1 हमें मिल रहा है 2 और c1 हमें मिल रहा है माइनस 8। इस तरीके से a2 हमें मिल रहा है 2, b2 हमें मिल रहा है 3 एंड c2 हमें मिल रहा है माइनस 12। अब a1 अपॉन a2 हो जाएगा 4/3 अपॉन में 2, इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 3,
इंटू वन अपॉन टू, टू वन द टू, टू टू द फोर, तो ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री, टू वन द टू, थ्री वन द थ्री। अब देखें बी वन अपॉन बी टू, तो बी वन अपॉन बी टू यानी मतलब ये टू अपॉन बी टू कितना है हमारे पास थ्री, तो ये भी हमें मिल रहा है टू अपॉन थ्री। सी वन अपॉन सी टू देखें तो सी वन है हमारे पास माइनस एट और सी टू है हमारे पास माइनस ट्वेल्व, माइनस से माइनस कैंसिल, फोर टू जै एट, फोर थ्री जै ट्वेल्व, तो ये भी मिल रहा है हमें टू अपॉन थ्री। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें तीनों सेम मिल रहे हैं, यानी मतलब हम कह सकते हैं ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू, इसको ऐसे पहले दिखा दें कि ए वन अपॉन ए टू हमें मिल रहा था टू अपॉन थ्री इक्वल टू टू अपॉन थ्री इक्वल टू टू अपॉन थ्री, और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्योंकि यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये भी कंसिस्टेंट है हमारा आंसर इसका, जल्दी से नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए ये क्वेश्चन नंबर थ्री हमने जो किया था सेम क्वेश्चन नंबर फोर है, बस यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने बढ़ा दी है कि अगर आप कंसिस्टेंट आंसर आपका आता है तो फिर उसका ज्योग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको देना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, रिप्रेजेंट करने के अलावा उसका सॉल्यूशन भी निकालना है ग्राफिकली, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ग्राफ पे भी जाना पड़ेगा अगर कंसिस्टेंट आता है तो। यहाँ पर हमारे पास है पहला क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, और इसकी सेकेंड इक्वेशन है टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टेन। तो स्टूडेंट्स पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो एक्स प्लस वाई, फाइव को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड, तो माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, इसको भी जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से ए वन मिल रहा है हमें वन, बी वन हमें मिल रहा है वन, एंड सी वन हमें मिल रहा है माइनस फाइव। यहाँ से अगर हम देखें तो ए टू हमें मिल रहा है टू, बी टू हमें मिल रहा है टू, एंड सी टू हमें मिल रहा है माइनस टेन। तो यहाँ से ए वन अपॉन ए टू हो जाएगा वन अपॉन टू, ए वन ए टू वन अपॉन टू, बी वन अपॉन बी टू हो जाएगा वन अपॉन टू, एंड सी वन अपॉन सी टू माइनस फाइव अपॉन माइनस टेन, माइनस से माइनस कैंसिल, फाइव वन द फाइव, फाइव टू द टेन, तो वन अपॉन टू। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि वन अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन टू, और यहाँ से देखिए तो हम कह सकते हैं कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर कंसिस्टेंट है तो फिर ज्योग्राफिकली आपको आंसर भी देना है, सॉल्यूशन उसका निकालना है। तो अगर हम ग्राफ पे जाएंगे तो दोनों इक्वेशंस के लिए हमें तीन तीन पॉइंट्स हमारे पास होना चाहिए। तो पहली इक्वेशंस को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं फॉर
इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव। इसको रीअरेंज करें तो एक्स इक्वल टू फाइव माइनस वाई ये हो जाएगा और यहीं पे हम टेबल बना लेते हैं। और हमें तीन पॉइंट्स की जरूरत होगी एक्स वाई। अब देखिए अगर हम वाई की जगह पर वन रखते हैं तो वाई की जगह पर हम वन रख देते हैं यहाँ पर वन, तो यहाँ पर हम वन रखेंगे तो फाइव माइनस वन हो जाएगा, फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर, तो एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी फोर। वाई की जगह पर हम टू रख दें तो फाइव माइनस टू हमें मिलेगा थ्री, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें थ्री। वाई की जगह पर हम यहाँ पर थ्री रख दें तो फाइव माइनस थ्री इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये हमें पॉइंट्स मिल गए। फॉर इक्वेशन सेकेंड सेकेंड इक्वेशन के लिए और देख लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टेन। तो यहाँ से इसको रीअरेंज कर लेते हैं, टू एक्स प्लस सॉरी प्लस नहीं, इसको टू वाई को हम ले आते हैं राइट हैंड साइड, तो टेन माइनस टू वाई, तो एक्स को यहीं छोड़ते हैं और ये हो जाएगा टेन माइनस टू वाई अपॉन में टू। और यहाँ बना लेते हैं हम लोग टेबल, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग टेबल। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक्स वाई, अगर हम वाई की जगह पे यहाँ ज़ीरो रखें, वाई की जगह अगर ज़ीरो रख दें तो ये वाली टर्म हो जाएगी ज़ीरो, फिर टेन अपॉन टू बचेगा, तो टेन अपॉन टू को सॉल्व करेंगे, टू फाइव या टेन, तो एक्स आ जाएगा हमारे पास फाइव। वाई की जगह पर हम यहाँ पर रख दें अगर वन, तो ये हो जाएगा टू वन या टू, टेन माइनस टू इक्वल टू एट, और टू फोर या एट। और यहाँ वाई की जगह पर रख दें टू, तो ये हो जाएगा टू टू द फोर, है ना, टू टू द फोर, और फोर सिक्स टेन में से फोर माइनस हुआ सिक्स, यहाँ पे ये हो जाएगा टू टू द फोर, टेन में से फोर माइनस हुआ सिक्स, टू थ्री द सिक्स, तो ये हो जाएगा थ्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी टू पर थ्री मिल रहा है, यहाँ पर भी टू पर थ्री मिल रहा है, यहाँ पर वन पे फोर मिल रहा है, यहाँ पर वन पे फोर मिल रहा है। ये पॉइंट हमने थोड़ा अलग लिया है यहाँ से, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ठीक है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग ग्राफ पे, और ग्राफ पे हम लोग देखते हैं मैनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं ग्राफ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ले लिया है ग्राफ पेपर और हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट में कंसिस्टेंट आया था, जिसको हमें ग्राफ पे फिर सॉल्यूशन दिखाना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इनसे पॉइंट्स बना लेते हैं ग्राफ पर और फिर उसके बाद लाइंस बनाते हैं। तो पहला यहाँ पर हमें एक्स पे फोर, वाई है हमारा वन, तो एक्स पे हम लोग चले यहाँ पर फोर, वाई पर चले हम वन, तो ये पॉइंट मिला हमें फोर कॉमा वन। दूसरा है एक्स इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल टू टू, तो एक्स पर हम थ्री, वाई इक्वल टू टू, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें थ्री कॉमा टू। नेक्स्ट है हमारे पास वाई एक्स इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू थ्री, तो एक्स इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू थ्री, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें टू कॉमा थ्री। तो ये तीन पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, यहाँ से होते हुए हमारी ये लाइन हो जाएगी। और ये जो लाइन है हमारी जिस इक्वेशन के लिए वो है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग लाइन बनाते हैं, तो वाई है ज़ीरो, एक्स इक्वल टू फाइव, वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल टू फाइव, वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो यही पॉइंट मिलेगा। फिर नेक्स्ट एक्स इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू फोर, ये जो पॉइंट हमें मिला वो फाइव कॉमा ज़ीरो था, फिर एक्स इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू वन, यही पॉइंट मिल जाएगा।
और फिर है एक्स इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू टू यही पॉइंट मिल जाएगा सेम। तो वो लाइन भी तीनों पॉइंट्स इसी पर आ रहे हैं, इसका मतलब दूसरी लाइन जो है हमारी टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव दोनों कोइंसिडेंट हैं, दूसरी लाइन भी हमारी इसी पे आएगी, आ जाएगी इसी लाइन पर आ जाएगी, है ना, दोनों लाइन हमारी इसी लाइन पे आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से मैंने सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशंस हमारी जो है कोइंसिडेंट हैं। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉरी कई सॉल्यूशन आएंगे, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, एंड यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एंड इस क्वेश्चन का आंसर उसका सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं फिर से बोर्ड पर, जहाँ पर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखा आपने ग्राफ पर किस तरीके दोनों लाइनें एक दूसरे पे कोइंसिडेंट थी, एक दूसरे को ऊपर आ रही थी, इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट, है ना, कंसिस्टेंसी आई थी, इसलिए हमें ग्राफ पे करना पड़ा। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इसे आप लोग जो है नोट कर चुके होंगे, इसे को कर देते हैं रफ। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में कहा गया है दो इक्वेशन है हमारे पास, और ये है वो दो इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू एट, और सेकेंड इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू 16। रीअरेंज कर लें पहले इसको, रीअरेंज का मतलब जनरल फॉर्म में लिख लें, एक्स माइनस वाई माइनस एट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ए वन हमें यहाँ से मिल रहा है 1, बी वन मिल रहा है हमें यहाँ से माइनस वन, एंड सी वन हमें मिल रहा है माइनस एट। और इस इक्वेशन से देखें, ए वन हमें मिल रहा है थ्री, बी वन हमें मिल रहा है माइनस थ्री, एंड सी वन हमें मिल रहा है माइनस 16। अब यहाँ से ए वन अपॉन ए टू ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री, बी वन अपॉन बी टू ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी हो रहा है वन अपॉन थ्री। सी वन अपॉन सी टू देखते हैं, तो सी वन अपॉन सी टू हमें मिल रहा है माइनस एट अपॉन माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, एट वन ज़ा एट, एट टू ज़ा 16, तो ये मिल रहा है हमें वन अपॉन टू। तो सी वन अपॉन सी टू इनके इक्वल नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं वन अपॉन थ्री इक्वल टू वन अपॉन थ्री, नॉट इक्वल टू वन अपॉन टू। और ये हमें बता रहा है कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल है बी वन अपॉन बी टू के, लेकिन नॉट इक्वल है सी वन अपॉन सी टू इन दोनों के। तो इस केस में दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, और दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंट है, तो हमें फिर यहाँ पर ग्राफ पे कोई सॉल्यूशन नहीं करना, कंसिस्टेंट जब आएगा तो हमें जो है सॉल्यूशन करके दिखाना है। तो इसको आप लोग जल्दी से जो है नोट करिए, फिर इसको करते हैं रफ। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, तो इसको कर दें रफ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट में इक्वेशंस हैं हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहले से ही ये जनरल फॉर्म में है, तो a1 हमें मिल रहा है 2,
बी वन हमें मिल रहा है 1, सी वन हमें मिल रहा है -6, ए टू हमें मिल रहा है 4, बी टू हमें मिल रहा है -2 एंड सी टू हमें मिल रहा है -4। तो यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू हो जाएगा 2/4, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 1/2। बी वन अपॉन बी टू देखते हैं तो 1/, और यहाँ पर ये -2, ठीक है, ये 1+ में है, वो -2 आ रहा है। तो ये ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू यहीं पर नॉट इक्वल हो गया। हम कह सकते हैं 1/2 नॉट इक्वल टू 1/-2, और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, और यहाँ से हमारी ये कंसिस्टेंट है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट है तो फिर हम ग्राफ पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर दोनों इक्वेशंस के लिए पॉइंट बना लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी फॉर इक्वेशन फर्स्ट, तो ये है 2x+y-6=0। तो 6 को इधर ले आएंगे 2x, और वाई को भी इधर ले आएंगे, तो ये 6 इधर आके प्लस, वाई माइनस में, तो x=6-y/2। तो यहाँ से हम बना लेंगे टेबल, तीन तीन पॉइंट हमें लेना है x y। अब देखिए यहाँ पे y की जगह रखिए 0, तो ये हो जाएगा 6/2, तो ये x आ जाएगा 3। अब y की जगह रखिए 2, तो ये हो जाएगा 6-2 4, और तो ये बचे 4/2, तो ये 2 2 4, तो ये भी आ जाएगा 2। y की जगह पे रख दीजिए आप, हमने रखा था 2, अब रख दीजिए y की जगह पे 6, 4 रख दीजिए y की जगह पे, सॉरी 4 रख दीजिए, तो ये बचेगा 2, तो y, ये x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये तीन पॉइंट्स आ गए हमारे इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब फॉर इक्वेशंस सेकंड के लिए, तो सेकंड वाली इक्वेशन है हमारे पास 4x-2y-4=0। तो ये -2y 4 दोनों को इधर ले आते हैं, तो इधर रह जाएगा 4x, तो 4 इधर आ जाएगा प्लस में, और ये भी आ जाएगा इधर प्लस में। अब 4 को इधर ले आते हैं, तो x=, ये x है, x=4+2y/, में यहाँ नीचे आ जाएगा 4। अब y की जगह पे यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, यहाँ टेबल, ये x ये y। अब यहाँ y की जगह पर रख दें 0, तो ये हो जाएगा, सॉरी y की जगह 0 मत रखिए, ठीक है, y की जगह रखिए आप 2, सॉरी y की जगह 0 रख सकते हैं, y की जगह 0 रख दें तो ये टर्म हो जाएगी 0, ये हो जाएगा 4/4, x की वैल्यू आ जाएगी 1। y की जगह का हम रख दें 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 एंड 4 8, 8/4, तो 4 2 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। और y की जगह आप यहाँ पे रख दें अगर हम 2 2 4, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख देते हैं 4, y की जगह पे 4, तो 4 2 8, 8 एंड 4 12, और 4 3 12, तो ये आ जाएगा 3। तो ये हमें पॉइंट्स मिलेगा इसके, और अब हम लोगों को चलना पड़ेगा ग्राफ पे, और ग्राफ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं ग्राफ पर। तो स्टूडेंट्स हम फिर से आ गए हैं ग्राफ पर, और यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में भी हमारा कंसिस्टेंट आ रहा था आंसर, तो यहाँ पर भी हमें ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लाइन की जो पॉइंट्स थे हमने जो निकाले थे वो यहाँ पर लिख लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर x=3 है इस इक्वेशन के लिए, 2x+y-6=0 के लिए x=3, y=0,
एक्स इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू जीरो, थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट हो हो जाएगा, जाएगा, थ्री थ्री कॉमा कॉमा जीरो। जीरो। दूसरा दूसरा हमारा हमारे देखिए लिए पॉइंट पॉइंट है है टू, टू, एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू 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 वाई वाई इक्वल इक्वल टू टू टू, टू, एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू 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 वाई वाई इक्वल इक्वल टू टू टू, टू। तो तो ये ये पॉइंट पॉइंट हो हो जाएगा जाएगा टू टू कॉमा कॉमा टू। टू। और और तीसरा तीसरा हमारा हमारा पॉइंट पॉइंट है है इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट के के लिए, लिए एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू टू वन वन वाई वाई इक्वल इक्वल टू टू फोर, फोर, एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू टू वन वन वाई वाई इक्वल इक्वल टू टू फोर। फोर, तो तो ये ये हमें हमें पॉइंट पॉइंट मिलेगा मिलेगा वन वन कॉमा कॉमा फोर। फोर। अब अब इन इन तीन तीन पॉइंट पॉइंट से से होके होके जाने जाने वाली वाली लाइन लाइन इस इस इक्वेशन इक्वेशन को को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करेगी। करेगी। एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू टू वन, वन, ओ सो सॉरी सॉरी यहाँ यहाँ पर पर ये मिस्टेक मिस्टेक है, है, ये ये टू, टू, ये ये थ्री थ्री, और और ये ये यहाँ यहाँ पर पर आएगा आएगा फोर। फोर, तो तो ये ये यहाँ यहाँ पर पर गलत गलत हो हो जाएगा, जाएगा, ये ये पॉइंट पॉइंट आएगा आएगा हमारा हमारा फोर फोर पर, पर, तो तो ये ये हमारी हमारी लाइन लाइन होगी होगी यहाँ यहाँ पर। पर। ठीक ठीक है, है, और और ये ये यहाँ पर यहाँ पर फाइव फाइव होगा, होगा, फिर फिर ये ये सिक्स सिक्स होगा होगा, और और ये ये सेवन सेवन होगा। होगा। ओके, ओके, तो तो ये ये हमारी हमारी इक्वेशन इक्वेशंस हो हो गई गई किस किस के के लिए, लिए, ये ये हमारी हमारी लाइन लाइन हो हो गई गई किस किस इक्वेशन इक्वेशन के के लिए, लिए, टू टू एक्स एक्स प्लस प्लस वाई वाई माइनस माइनस सिक्स सिक्स इक्वल इक्वल टू टू जीरो जीरो। जीरो अब हमारी हमारी सेकंड सेकंड इक्वेशन इक्वेशन यहाँ यहाँ पर पर ये ये है है फोर फोर एक्स एक्स माइनस माइनस टू टू वाई वाई माइनस माइनस फोर फोर इक्वल इक्वल टू टू जीरो, जीरो, तो तो एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू टू वन वन वाई वाई इक्वल इक्वल टू टू जीरो, जीरो, तो तो एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू टू वन वन वाई वाई इक्वल इक्वल टू टू जीरो, जीरो, यही यही रहेगा रहेगा वन वन कॉमा कॉमा जीरो। जीरो। दूसरा दूसरा पॉइंट पॉइंट यहाँ यहाँ पर पर भी भी है है टू टू कॉमा कॉमा टू, टू, तो तो ये ये कॉमन कॉमन पॉइंट पॉइंट है, है, तो तो एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू 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 वाई वाई इक्वल इक्वल टू टू टू, टू, यही यही पॉइंट पॉइंट रहेगा। रहेगा। और और फिर फिर है है नेक्स्ट नेक्स्ट एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू टू थ्री थ्री वाई वाई इक्वल इक्वल टू टू फोर, फोर, तो तो एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू टू थ्री थ्री वाई वाई इक्वल इक्वल टू टू फोर, फोर, तो तो ये ये आ आ जाएगा। जाएगा। और और फिर फिर हम हम इन इन तीनों तीनों पॉइंट पॉइंट से से होके होके जाने जाने वाली वाली लाइन लाइन बना बना देंगे, देंगे, और और ये ये दूसरी दूसरी हमारी हमारी जो जो इक्वेशन इक्वेशन है है उसे उसे रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करेगी, करेगी, यानी यानी का का मतलब मतलब ये ये रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करेगी करेगी फोर फोर एक्स एक्स माइनस माइनस टू टू वाई वाई माइनस माइनस फोर फोर इक्वल इक्वल टू टू जीरो जीरो को, को, और और ये ये टू टू कॉमा कॉमा टू टू पे पे इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट कर कर रही रही हैं, हैं, तो तो हमारा हमारा आंसर आंसर एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू 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 वाई वाई इक्वल इक्वल टू टू टू, टू, ये ये हमारा हमारा सॉल्यूशन सॉल्यूशन रहेगा रहेगा इस इस इक्वेशन, इक्वेशन, इन इन दो दो ही पेयर पेयर ऑफ ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन इक्वेशन के के लिए लिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन हमारा हमारा रहेगा, रहेगा, वो वो एक्स एक्स इक्वल इक्वल टू टू वाई वाई इक्वल इक्वल टू टू रहेगा। रहेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि दोनों दोनों का का इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट पॉइंट ये ये है, है, टू टू कॉमा कॉमा टू। टू। तो तो चलिए चलिए चलते चलते हैं हैं हम हम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर फोर फोर का का फोर्थ फोर्थ पार्ट पार्ट देखते देखते हैं, हैं, और और ये ये हमारा हमारा ग्राफ ग्राफ पे पे हमें हमें करना करना था, था, तो तो हमने हमने इसको इसको ग्राफ ग्राफ पे पे दिखाया दिखाया है। है। चलिए चलिए चलते चलते हैं हैं फिर फिर से से बोर्ड बोर्ड पर पर और और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर फोर फोर का का फोर्थ फोर्थ पार्ट पार्ट देखते देखते हैं। हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ग्राफ पे हमने इस का सॉल्यूशन निकाला। अब हम लोग चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, इसको करते हैं रफ। हम लोग करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फोर का। फोर्थ पार्ट में कहा गया है टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन है फोर एक्स माइनस फोर वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये जनरल फॉर्म है पहले से ही है, तो ए वन मिल रहा है टू, बी वन मिल रहा है माइनस टू, एंड सी वन मिल रहा है माइनस टू। अब ए टू देखते हैं, तो ए टू हमें मिल रहा है फोर, बी टू मिल रहा है माइनस फोर, एंड सी टू मिल रहा है हमें माइनस फाइव। तो यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू चेक करते हैं, ए वन अपॉन ए टू ये हो जाएगा टू अपॉन फोर, टू वन द टू, टू टू द फोर, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू। अब बी वन अपॉन बी टू देखिए, तो बी वन अपॉन बी टू माइनस टू अपॉन माइनस फोर, माइनस से माइनस कैंसिल, टू वन द टू, टू टू द फोर, तो ये भी वन अपॉन टू, तो ये दोनों तो इक्वल हैं। अब सी वन अपॉन सी टू पे, सी वन अपॉन सी टू है हमारे पास, सी वन है हमारे पास माइनस टू और सी टू हमारे पास माइनस फाइव, तो ये कैंसिल, तो ये रहेगा टू अपॉन फाइव। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि वन अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन टू, नॉट इक्वल टू सी सॉरी नॉट इक्वल टू टू अपॉन फाइव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू
नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दोनों लाइनें पैरेलल्स हैं, इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, सॉरी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें ग्राफ नहीं करना क्योंकि हमारा आंसर इनकंसिस्टेंट आया है। तो इस वीडियो में हम लोग ये दो क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि कई सारे पार्ट थे क्वेश्चंस के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और एडवाइस मेरी यह है कि आप लोग सीरीज से देखिए वीडियोस, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन से आप देखिए और आप जो है सीरीज से देखते हुए आएंगे तो आगे की चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट।